नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल दिस टॉक पर। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ टीचिंग नेचर ऑब्जेक्टिव एंड करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि शिक्षण प्रकृति उद्देश्य व विशेषताएं। शिक्षण की जो प्रक्रिया आप समझते हैं, जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी नेट का भी जो भी अभी पेपर देने जा रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट के पेपर में भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, और जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं पढ़ते हैं। तो आज शिक्षण के ऊपर ही मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टीचिंग की। तो दोस्तों टीचिंग की जो बात अगर हम करें, मैं इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में भी बताना चाहूँगा। जैसे इन्होंने तो ये लिखा है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अतः शिक्षण पद की एक सार्वभौमिक परिभाषा देना कठिन कार्य है। दोस्तों मैं इसको पूरा आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, अगर समझ आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए शिक्षण के जो ये बोल रहे हैं कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया अतः शिक्षण पद की एक सार्वभौमिक परिभाषा देना कठिन कार्य है। दोस्तों शिक्षण होता क्या है, मैं सरल भाषा में आपको बताऊँ। देखिए आप टीचिंग करते हैं, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचिंग क्या है एक्चुअली, टीचिंग ये है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक परिभाषा देना मतलब एक कठिन कार्य है कि इसको परिभाषित कैसे किया जाए। जैसा कि उन्होंने लिखा शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया अतः शिक्षण पद की एक सार्वभौमिक परिभाषा देना कठिन है। मतलब ये है सामाजिक कार्य से कि आप जो पढ़ा रहे हैं छात्रों को, उनसे एक तो आप कम्युनिकेशन अच्छा रखें, समाज के लिए भलाई कर रहे हैं, पढ़ाना शिक्षा देना तो बहुत ही अच्छा कार्य है, सामाजिक प्रक्रिया है, और एक और सामाजिक परिदृश्य शिक्षण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। मतलब ये है कि जो टीचिंग है, टीचिंग का मतलब ये हुआ कि शिक्षा देना, शिक्षण मतलब शिक्षा देना, आप जो छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा कैसे दी जा सकती है, टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे किया जा सकता है कि आप जो कम्युनिकेशन है, सबसे पहली चीज टीचिंग में क्या हो सकती है, जो कम्युनिकेशन लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, जो आप अधिगम कराते हैं यानी कि लर्न कराते हैं जो बच्चों को, वो होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में इन्हीं सारी चीज़ों की बातें की जाती है कि एक बच्चे को, छात्र को पढ़ाया कैसे जाए, उसे अधिगम कैसे कराया जाए, आप एक अच्छे टीचर कैसे हो सकते हैं, इन पर मैं पूरी बात करूंगा। तो दोस्तों जैसे कि अगर मैं इससे आगे चलूं थोड़ा सा, तो इसमें आता है कि जैसे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, जैसे पहला इन्होंने बोला कि अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बोल दिया था कि कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन संप्रेषण, इसमें क्या होता है सूचनाओं का आदान प्रदान ही तो होता है। सेकंड इन्होंने बोला प्रभावी नियोजन। देखिए ये नियोजन क्या है, नियोजन ये हो गया प्लानिंग करना। आप जब भी क्लास में भी जाएंगे, स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो आप पहले से एक प्लानिंग करके रखेंगे कि भाई मेरे को आज ये पढ़ाना है, ऐसे ऐसे इस तरह से पूरा एक लेसन प्लान भी बनवाते हैं जैसे बीएड क्लासेस में, तो वो नियोजन की प्रक्रिया इसीलिए सिखाते हैं। छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति, देखिए जब आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में कि जो क्लास के जो बच्चे होते हैं कोई इधर कर रहा है, किसी का मन नहीं लगता तो इग्नोर करने लग जाता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो जितने छात्र हैं वो क्रियाशील रहें, मतलब एक्टिव रहें। जैसे कि एक अच्छा टीचर कैसे करता है, बीच बीच में थोड़ा सा मजाक करेगा या एकदम उसे खड़ा कर देगा, जैसे एक बच्चे का अगर ध्यान नहीं है, मैं इसको बिल्कुल आपको शब्दों को समझा रहा हूँ आसान शब्दों में, कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो अब टीचर क्या करेगा, उठो तुम बताओ अभी मैंने क्या बताया था, तो ऐसे क्या रहेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा कि सर जो है बीच बीच में उठा रहे हैं, हमें बीच में उठा रहे हैं। और इसमें एक पॉइंट है कि छात्र शिक्षक सहयोग, छात्र शिक्षक सहयोग इसलिए लिखा है दोस्तों कि छात्र शिक्षक सहयोग सबसे मेन चीज़ है। अगर स्टूडेंट और जो टीचर है उसके बीच में सहयोग की भावना नहीं होगी, मान लीजिए कि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, अब 40 बच्चों में से टीचर अगर सबको पढ़ा भी रहा है, अब पढ़ाने के बाद 40 में से 10 बच्चे जो शरारती हैं वो क्लास को डिस्टर्ब कर देंगे, तो जो 30 बच्चे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपस में सहयोग की भावना भी होनी चाहिए दोस्तों। छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग से तात्पर्य यह है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि हमें पता है कि इस बच्चे में टैलेंट तो है लेकिन ये पढ़ता नहीं, जैसे किसी की मैथ अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश सही होती है, तो उसके पूर्व ज्ञान के आधारित पे या फिर उसको कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल दी जाए जो उसको समझ आए, तो इन चीज़ से ये तात्पर्य कि आप अधिगम कैसे कराते हैं, आप लर्न कैसे कराते हैं, किसी बच्चे को सिखाते कैसे हैं, उसके ढंग से ही उसके ऊपर उपयोग करें। और इसमें दोस्तों क्या है, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित, उत्तम शिक्षण विधियाँ, उत्तम शिक्षण विधियाँ ये कि आप अच्छे से अच्छा मेथड लाएं। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब शिक्षण कराना बहुत आसान कर रहे, सबसे मतलब अगर मैं कहूँगा टीचिंग कराना सबसे हार्ड कर रहे, मेरे हिसाब से हार्ड वर्क है, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग माइंड है, हर बच्चे को अपने हिसाब से
एक अलग अलग मेथड के, जैसे किसी को प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होती है, किसी को थ्योरी में ज़्यादा जल्दी याद कर लेता, कोई रट्टा भी मार लेते हैं, तो जैसे उस बच्चे को समझ आ रहा है वैसे करवाएं। इसके अलावा जैसे आगे बात करें छात्र योग्यताओं का संवर्धन, दोस्तों छात्र योग्यताओं का संवर्धन करना यानी कि उनकी जो योग्यता है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनमें हम विस्तार करें, उनकी योग्यताओं का संवर्धन करें। तो दोस्तों इसकी ये कुछ करैक्टरिस्टिक थी जो मैंने बताई। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे इसमें आता है जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के प्रकार, शिक्षण उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव हिंदी में है ज्ञानात्मक, भावात्मक एंड मनोज्ञात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। देखिए दोस्तों ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक से क्या तात्पर्य होगा, मैं आपको इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में अगर समझूं, जो मैंने समझा इसका मतलब, तो मैं आपको ये बताऊं कि एक ज्ञानात्मक से तो इफेक्ट हो गया ज्ञान में वृद्धि करवाना, जो आप शिक्षण करते हैं, आप जो पढ़ाते हैं उनसे बच्चों के ज्ञान में जो है वृद्धि हो। अफेक्टिव, भावात्मक, भावात्मक से मतलब ये है कि उनके हाव भाव, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है। और मनोगत्यात्मक, क्योंकि देखिए आप जब बीएड भी करते हैं तो उसमें साइकोलॉजी भी आप पढ़ते हैं कि बच्चे के अंदर मन में क्या चल रहा है, जब आप क्लास भी लेते हैं, टीचिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि हाव भाव से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा छात्र सही है, कौन सा छात्र नहीं पढ़ रहा है। सेकेंड है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, स्मृति स्तर, अवबोध एंड चिंतन। स्मृति लेवल यानी कि मेमोरी कितनी, मेमोरी वाली मतलब मेमोरी कितनी मतलब शार्प है कि नहीं है, स्मृति स्तर कितना है, ये जानने के लिए मेमोरी लेवल का अध्ययन करते हैं शिक्षण में। मेमोरी लेवल यानी कि जितने छात्र बैठे उनका मेमोरी लेवल किस हिसाब का है। अब बोध स्तर क्या हो गया कि उसे थोड़ा सा बोध हुआ उस चीज़ का, जैसे हमने कुछ समझाया तो उसे थोड़ी सी जानकारी मिली। चिंतन स्तर, चिंतन स्तर पर ये इफेक्ट तब होगा जैसे मान लीजिए कि आपने एक बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, आपने कई एग्जाम्पल दिए, तब जाके उसे थोड़ा सा पता चला कि हाँ भाई ये होता है। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन करने लग जाए कि सर ऐसे में ऐसा क्यों नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल में आएगा, चिंतन स्तर पर आएगा। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम बुक्स में थ्योरी पढ़ते हैं तो कई चीज़ हमें समझ नहीं आती है, लेकिन अगर उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जाए तो आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जब राजनीति के आधार पर इसको तीन में बांटा गया, जैसे निरंकुश शिक्षण है, प्रजातांत्रिक शिक्षण है, हस्तरेप शिक्षण है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मतलब नेचर ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण स्वरूप के आधार पर वर्णात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक। और इसके बाद शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर एजुकेशनल प्रोसेस, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्शन। देखिए दोस्तों इसमें जो मेन चीज़ है, जो लास्ट वाला आपने जैसे कि देखा ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि प्रस्तुतिकरण, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्शन। जब आप क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे बीएड वाले होंगे या कोई भी छात्र होंगे जो स्कूल में भी देते हो या कॉलेज में, तो वो जो टीचिंग आती है जो आप डेमो के बेस पे करवाते हैं, शिक्षण आप डेमो के बेस पे कराएं, प्रेजेंटेशन जैसे किसी किसी बच्चे में थोड़ा खुला नहीं होता है वो, मतलब आमने सामने जाके बात नहीं कर सकता, ऐसे क्लास में कोई प्रेजेंटेशन तो उसे हिचक होती है, तो उसकी हिचक निकालने के लिए हम प्रेजेंटेशन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, यानी कि डेमो आप किसी चीज़, जैसे प्रैक्टिकल आप करवाते हैं कोई नॉलेज की, ये चीज़ में ऐसे होता है कि इस चीज़ में, जैसे साइंस की लैब में भी बहुत से प्रैक्टिकल होते थे तो डेमो करवाते थे कि भाई ये डेमो करके दिखाओ। एक्शन, क्रिया में लाना, यानी उस काम को फिर बाद में करना। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो टाइप ऑफ टीचिंग है, मैं अपनी लैंग्वेज में इसे बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद आगे अगर दोस्तों बात करें इसके बाद आता है दोस्तों आपका वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग एंड देयर फंक्शन। शिक्षण प्रक्रिया के तीन चर होते हैं, स्वतंत्र चर शिक्षक, परतंत्र चर छात्र, हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम। दोस्तों ये शिक्षण प्रक्रिया के ये फंक्शन कैसे हैं, ये मैं आपको इनको समझाने का अगर प्रयास करूं, अगर आप थोड़ा सा इसमें प्रयास करें समझने का, जैसे कि पहला है डायग्नोस्टिक फंक्शन, यानी निदानात्मक कार्य। यहाँ एक शिक्षक स्वतंत्र चर यह निर्णय लेता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र के पूर्व व्यवहार तथा कौशल क्या होने चाहिए, ताकि छात्र नवीन ज्ञान को सीखकर उसमें संबंधित कर सके। मतलब इसमें जो चीज़ होती है, इसमें ये कार्य किया जाता है कि जो शिक्षक है एक, वो छात्रों के पूर्व आधारित कौशल क्या होने चाहिए, उनके व्यवहार को लेकर, मतलब उन्हें एक ऐसी कला का डेवलप करना है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो पहले के जो व्यवहार हैं, कि अगर मान लीजिए कोई बंदा मैथ में सही है, उसको किस हिसाब से एग्जाम्पल दिए जाए कि वो उस चीज़ को हमारी समझ पाए,
जैसे इसमें यह लिखा भी है साफ साफ, यहाँ एक शिक्षक स्वतंत्र चर यानी स्वतंत्रता से यह निर्णय लेता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र के पूर्व व्यवहार तथा कौशल क्या होने चाहिए, ताकि छात्र नवीन ज्ञान को सीखकर उसे संबंधित कर सके। मतलब आपको कुछ ऐसे तरीके से उसे सिखाना है उसके पहले ज्ञान के आधार पर कि जो उसे नया ज्ञान आप देना चाह रहे हैं वो वह सीख सके। इसके बाद दोस्तों, तो दोस्तों इसमें और क्या क्या आता है, इस पद में शिक्षक निम्नलिखित निर्णय लेता है, शिक्षण संबंधी समस्याओं का विश्लेषण यानी कि जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप एनालाइज करते हो कि भाई टीचिंग में और कैसे अपने सुधार कर सकता हूँ। छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण, जो वह अपना व्यवहार कर रहा है वो जैसा कि मैंने आपको बता दिया उसका आप निर्धारण करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य में क्या होता है दोस्तों कि इसमें छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि हम टीचिंग मतलब इसमें जिसके आधार पर उचित शिक्षण युक्तियों एवं अवयवों का प्रयोग किया जा सके। मतलब कि छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर एक ऐसी चीज़ करेंगे कि हम जो शिक्षण युक्तियाँ हैं जो सिखाने का कार्य है वो और अच्छे से अच्छा कैसे कर सके। इसके बाद इवैल्यूएशन फंक्शन आता है जिसमें मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षण का आधारभूत घटक है, इसके अभाव में शिक्षण कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है, यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो शिक्षण का उपचार दोषपूर्ण है। मतलब ये दोस्तों कि अगर आप अपनी चीज को मूल्यांकित नहीं कर सकते कि मेरी टीचिंग कितनी बेस्ट रही, कितने बच्चे समझ पाए, मेरे टीचिंग से कितने बच्चे सफल हुए, कितने पास हुए, कितने फेल, अगर आप ये मूल्यांकन नहीं करते हैं तो आपकी जो टीचिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो इसमें आता है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है फेसेस ऑफ टीचिंग, फेसेस और ऑपरेशन ऑफ टीचिंग। दोस्तों इसमें तीन फेस हैं आपके टीचिंग के, जैसे कि शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था प्रीएक्टिव फेस, इंटरमीडिएट फेस यानी कि शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था, एंड लास्ट वन इज पोस्ट एक्टिव फेस, शिक्षण तत्परता के बाद की अवस्था। दोस्तों पूर्व तत्परता अवस्था प्रीएक्टिव फेस की अगर बात करें तो इसमें जो शिक्षण होता है इसमें योजना बनाई जाती है, इस पद के अंतर्गत शिक्षण योजना तैयार की जाती है। कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक जो भी कार्य करता है, जैसे कि मान लीजिए आप टीचर है तो आप भी क्या करते हो कि आज मुझे ये पढ़ाना है, आज मुझे ये कैसे पढ़ाना है, आप कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं, आप कुछ सिलेबस तैयार करते हैं, आप कुछ नोट्स तैयार करते हैं, देन दिस विल बी प्रीएक्टिव फेस ऑफ टीचिंग, यानी कि ये जो है आपका प्रीएक्टिव फेस है। और उसके बाद जो आपका इंटरमीडिएट फेस आता है, इंटरमीडिएट फेस में क्या होता है कि आप जब क्लास के अंदर गए, आपने क्या क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया, कैसे जो आपने प्लानिंग की थी कैसे पढ़ाना है वो आपने वहां पे डन किया, एक्शन किया, तो ये होता है इंटरमीडिएट फेस। एंड लास्ट वन इज ये आपका आता है पोस्ट एक्टिव फेस यानी शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था। इसमें ये होता है कि यह पद मूल्यांकन से संबंधित, मूल्यांकन के अभाव में शिक्षक अपूर्ण बना रहता है जब तक आप मूल्यांकन नहीं करते। ऐसे मैंने अभी पहले ही बताया कि जो बिना मूल्यांकन के जो टीचर होता है वो कंप्लीट नहीं है, उसे मूल्यांकन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मूल्यांकन नहीं करेगा तो टीचिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे फेसेस ऑफ टीचिंग। इसके बाद अब क्योंकि अब टीचिंग से रिलेटेड अब आपको भी थोड़ी बहुत जो आपकी भ्रांतियां होंगी, डाउट होंगे, वो आपके क्लियर हो गए होंगे, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाता हूँ कि कैसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो दोस्तों जैसे कि ये आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है। शिक्षण की प्रक्रिया को विभाजित किया जा सकता है राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर। तो दोस्तों 3, 4, 2 या 5, तो तीन वर्गों में दोस्तों इसे बांटा जा सकता है। और निरंकुश शासन तंत्र के अनुकूल शिक्षण की परिभाषा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं एससी मॉरिसन। और दोस्तों इसके बाद अगर आगे बात करें, एनएल गेज का निम्नलिखित में से किससे संबंध है, प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से। और इसके बाद है दोस्तों, एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली वहां के शिक्षण को प्रायः प्रभावित करती है क्योंकि राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। आगे है जॉन बुरवेकर प्रभावित हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली से। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना, यह भाव व्यक्त किया है गेज ने। दोस्तों इसके बाद आगे जो क्वेश्चन मैं आपको कुछ दिखाऊं, शिक्षण को आप मानते हैं एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति और एक अंतः प्रक्रिया मात्र सीखने में सहायक प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर उपयुक्त सभी, शिक्षण संभव नहीं है विद्यालय के बाहर भी नहीं, बिना पाठ्यक्रम के भी नहीं, और दो परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी विषय में पारंगत हो, तो इन सभी केसों में शिक्षण संभव नहीं है। दोस्तों दूसरों को शिक्षा निर्देशन करने सीखने के लिए तथा अन्य प्रकार से निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है,
ये कथनांश है, ये कथनांश यांश का है दोस्तों। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका संकेत नहीं करती है, तो ये सामाजिक प्रक्रिया का संकेत नहीं करती है। और शिक्षण है आमने सामने आने वाली प्रक्रिया, स्वदेश्य प्रक्रिया, उपचारात्मक या उपयुक्त सभी, तो दोस्तों इसका आंसर उपयुक्त सभी। शिक्षण हो सकता है मापन योग्य, बाल सुधारात्मक एंड बालोपचार योग्य, तो ये उपयुक्त सभी है दोस्तों इसका भी आंसर। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे और टीचिंग के बारे में मैंने आपको बताया आज। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दबाइए उस बेल आइकन को, ताकि आने वाली और भी जो मैं वीडियो डालूंगा आपको उसकी अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहे, आपको वीडियो उसकी मिलती रहे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।